नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जालंधर देहात पुलिस ने दो नशा तस्करों को किया काबू, 140 बोरे चूरा पोस्त और एक ट्रक किया बरामद। बरनाला पुलिस ने तीन मामलों में चार आरोपियों को किया गिरफ्तार, 73,700 नशीली गोलियां, 300 ग्राम हेरोइन, दो कारें और एक मोटरसाइकिल किया बरामद। जंडियाला गुरु में गत रात्रि हुई बारिश व तूफान के कारण 200 वर्ष पुराना बरगद का पेड़ गिरा, लोगों की आस्था को पहुंची ठेस। और अब हलचल विस्तार से। जालंधर देहात पुलिस ने एक ट्रक के अंदर आलू चिप्स की बोरियों के नीचे 140 बोरियां डोडे चूरा पोस्त बरामद कर दो नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसएसपी जालंधर मुखविंदर सिंह ने बताया कि फिलौर पुलिस को जानकारी मिली थी कि एक ट्रक में डोडे चूरा पोस्त आ रहा है, जिसके बाद टीम ने विशेष नाका लगाकर इन्हें काबू किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान छिंदा और दलजीत के रूप में हुई है। ये मध्य प्रदेश से चूरा पोस्त लेकर आते थे और एक ढाबे पर गाड़ी खड़ी कर देते थे। इन्हें हर एक डिलीवरी के 50,000 रुपए मिलते थे। फिलहाल पकड़े गए आरोपियों पर मामला दर्ज कर उन्हें अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा, ताकि उनसे आगे की पूछताछ की जा सके। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। कितनी देर तक काम कर रही है? मर्जी बस इथे आ जाओ, इथे आ जाओ। तुहाडे नाल होर भी साथी ने? नहीं, होर कोई। ठीक। SHO ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਕਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਨਸਾੜਾ ਵਿਖੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਰਾਹੋਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਆਉਂਦਾ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 140 ਬੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੂਰਾ ਪੋਸਟ ਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਆਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਜਦੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਆ ਇੱਕ ਸ਼ਿੰਦਾ ਤਰਲੂਨ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਢਾਬੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਲੋਡਡ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਚੂਹਾ ਪੋਸਟ ਉੱਪਰ ਆਲੂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੂਆਂ ਬੇਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਿੱਧੂਆਂ ਬੇਟ ਉੱਥੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਗੱਡੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਬੋਰੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 4, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10 ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਮਾਲ ਵਿਦਿਨ 2 ਆਵਰਸ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੇੜੇ ਦਾ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਅਤੇ 12,000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਲਿੰਡਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ। बरनाला पुलिस ने तीन मामलों में एसएसपी बरनाला संदीप कुमार मलिक के निर्देश पर चार लोगों को 73,700 नशीली गोलियां, दो कारें और एक मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। एसएसपी बरनाला ने प्रेस को जानकारी देते हुए कहा कि पंजाब सरकार और पुलिस महानिदेशक पंजाब चंडीगढ़ द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत एसपीडी रमनीश कुमार चौधरी, डीएसपीडी मानवजीत सिंह सिद्धू, डीएसपी सिटी सतवीर सिंह के कुशल नेतृत्व में सीआईए स्टाफ बरनाला प्रभारी इंस्पेक्टर बलजीत सिंह की पुलिस पार्टी को उस समय बड़ी सफलता मिली जब थानेदार शरीफ खान सीआईए बरनाला ने एनडीपीएस एक्ट के अधीन मामला दर्ज कर आरोपी सतवीर सिंह उर्फ रवि निवासी बनेरा खुर्द जिला पटियाला व जगप्रीत सिंह उर्फ जग्गी निवासी सुल्तानपुर जिला पटियाला को बरनाला बठिंडा मेन रोड बाहद तपा से एक स्विफ्ट कार से गिरफ्तार किया और आरोपी के कब्जे से 20,000 नशीली गोलियां बरामद की गई। जांच के दौरान आरोपी सतबीर सिंह के पटियाला के मुक्त एनक्लेव संगरूर रोड स्थित उसके किराए के कमरे से 32,000 नशीली गोलियां बरामद की गई। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि ये नशीली गोलियां दिल्ली से लाए थे और बरनाला व संगरूर जिले के इलाके में ग्राहकों को सप्लाई करने वाले थे। आरोपी सतवीर सिंह के खिलाफ थाना भवानीगढ़ व थाना कोतवाली नाभा में पहले से मामले दर्ज हैं।
इसी क्रम में एसएसपी बरनाला ने बताया कि इसी तरह दो अन्य अलग अलग मामलों में बरनाला पुलिस ने 300 ग्राम हेरोइन और 21,700 नशीली गोलियों के साथ दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पूछताछ जारी है, जिसमें और भी अहम खुलासे होने की संभावना है। एक मामले में पकड़े गए आरोपी गुरप्रीत सिंह उर्फ मीत के खिलाफ अलग अलग थानों में 4 मामले दर्ज हैं। बरनाला से हलचल के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट। पिछले 2 दिनों के बीच असी 3 FIRs लॉन्च की हैं ते बड़ी रिकवरीज की हैं। इस जी पहली FIR हैगी उसके विच असी 2 एक्यूज फड़े हैं, सतवीर सिंह ते जगप्रीत सिंह, ये दोनों पटियाले के रहने वाले हैं। इन्हों तो पहला मुढ़ली तफ्तीश के सानू 20,000 इंटॉक्सीकेंट टैबलेट्स ते गड्डी असी रिकवर की सी। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन असी बैकवर्ड लिंकेजेस के 32,000 इंटॉक्सीकेंट टैबलेट्स होर रिकवर की, जो कि इन्हों ने एक रेंट से घर लिया हुआ सी पटियाले उतों सानू बरामद हुई। इस तो अलावा एक होर FIR असी लॉन्च की, उस मनवीर सिंह करके एक बंदे एक्यूज में असी फड़िया है ते उहदे कोलों भी सानू एक स्विफ्ट गड्डी मिली, उहदे विच्चों 300 ग्राम इंटॉक्सीकेंट पाउडर सानू रिकवर होया। जिहड़ा मनवीर सिंह हैगा इहदे ते पहला NDPS दे 2 FIRs पहला लॉन्च हैगी, जो फर्स्ट इनिशियल असी FIR मैं दस्सिया तुहानू सतवीर सिंह ते भी पहला NDPS दी FIR दर्ज। इस तो अलावा तीजी FIR जिहड़ी असी दर्ज की है वह हैगा गुरप्रीत सिंह बंदे, गुरप्रीत सिंह भी पटियाले का रहने वाला है ते उदों तो असी एक मोटरसाइकिल की बरामद भी की है, नाल दी नाल 21,700 इंटॉक्सीकेंट टैबलेट्स। गत साई और पूरी रात हुई बारिश के कारण जंडियाला गुरु इलाके में कई पेड़ गिर गए, जिस कारण काफी नुकसान हो गया। इस दौरान गत रात्रि हुई बारिश के कारण जंडियाला गुरु शहर में गौशाला के सामने लगभग 200 वर्ष पुराना बरगद का पेड़ गिर गया। इस दौरान कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस बरगद के पेड़ के गिरने के कारण लोगों को काफी दुख लगा है, क्योंकि इस पेड़ के नीचे लोग आराम करने भी आते थे, तो वहीं रेहड़ा घोड़े, गौशाला की गायें और नज़दीकी घर वाले राहगीर इस बरगद की छांव और ठंडी हवाओं का आनंद मानते थे। इससे ऑक्सीजन भी मिलती थी और इस पेड़ के साथ लोगों की आस्था भी जुड़ी हुई थी, क्योंकि कई लोग इस पेड़ की पूजा भी करते थे, जिस कारण इस पेड़ के गिरने की वजह से कई लोग दुखी भी हुए हैं। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। अज भी बहुत तगड़ा बोर सीगा, ऐसे मतलब गौशाला रोड देते बहुत पुराना, 1,000 साल पुराना। हाँ जी, और डिगन के नाल इतने बहुत घाटा पिया वा इतने, क्योंकि मजदूर आन के इसे रोटी खाते ही जे हाफ टाइम के। हाँ जी, तो दूजे नंबर पर इतने रेहड़े खिलारते जो रेहड़िया वाले मजदूर आ, वह भी उन्होंने छां होंगी ही डंगर जी। हाँ जी, तो फिर गौशाला के गऊं भी छां बहुत ज़्यादा होंगी हैगी, तो मतलब कहने तो भाव भी इतने जानवरों के आलने बहुत ढट गए आ, जानवर बहुत ज़्यादा ही इतने, जो मतलब जानवर रात को इतने लंघी का चीं चीं करते हैं जानवर, अज 1,000 जानवर के आलने ढटे। साढ़े मन में बहुत दुख होया कि किसी का घर नहीं ढटना चाहिए, तो आप इस गल कहने कि चलो जो भी होया परमात्मा ने किया, पर होना नहीं चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, पूजा करते अगे दुकान वाले बहुत यदि पूजा करते। बारे जानकारी जी, मेरी उम्र इस वक्त 67 साल उम्र से मैं हटा चुका। मैं बचपन चो जब तो 5-7 साल तो ही देख रहा उस बोर न, जो कि उस इलाके कोई इन्नी आबादी नहीं सी विकसित हुई, तो लोग जड़े उस बोर की छां मानते सी, निघ मानते सी। मेरा ख्याल है कि वो उस बोर की उम्र 200 साल तो 2 सदियों तो उपर ही हो सकती है। पंजाब सरकार के आदेशानुसार 15 से 27 जून तक विशेष स्वच्छ मुहिम चलाई जा रही है। इसी मुहिम संबंधी ईओ धूरी अश्विनी कुमार ने बताया कि पंजाब सरकार के आदेश जारी हुए हैं कि 15 जून से 27 जून तक विशेष स्वच्छ मुहिम चलाई जाए, जिसमें सरकार का प्रयास है कि जो बच्चे NSS या किसी और संस्था के सदस्य हैं, जो वातावरण के प्रति जागरूक हैं और जो आम लोगों को इसकी महत्ता के बारे में समझा सकते हैं, उनकी ओर से भी घर घर जाकर संदेश दिया जाए और कमेटी की तरफ से भी सफाई के लिए विशेष मुहिम
चलाई जाए ताकि वातावरण में सुधार किया जा सके। इससे पहले एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की ओर से मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें वातावरण संबंधी सभी अधिकारी शामिल हुए। उन्हें हिदायतें जारी की गई हैं कि इस मुहिम को लेकर घर घर जाकर सफाई का संदेश दिया जाए, जिसके चलते नगर कौंसिल धूरी की ओर से स्कूली बच्चों को साथ लेकर धूरी के तुलसी नगर नाभा कॉलोनी से इस मुहिम की शुरुआत की गई। वहीं इस मुहिम के बारे में मोहल्ला निवासियों का कहना है कि नगर कौंसिल धूरी और स्कूली बच्चों का ये बहुत ही बढ़िया प्रयास है जो घर घर जाकर प्लास्टिक लिफाफों और सफाई के बारे में संदेश दे रहे हैं। ये मुख्यमंत्री का अपना क्षेत्र है, यहाँ की साफ सफाई का संदेश पूरे पंजाब में जाएगा। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। समय समय से हिदायतें जारी की जा रही ने, बहुत स्टाफ भी दिता जा रहा है। सरकार का एक उपराला है कि सारे शहर पंजाब के साफ सुथरे नज़र आन, तो कूड़े की जो मैनेजमेंट है वह साइंटिफिक तरीके नाल हर एक घर के कूड़ा वखरा वखरा गिला ते सुखा कूड़ा चक के साइंटिफिक मैनेजमेंट की जाए। समय समय से कमेटी उसका स्टाफ सेंटर इंस्पैक्टर साहबान CEF वगैरह सारे मेहनत कर रहे हैं। इस चीज़ में सरकार वालों हुण हदायतां जारी हुई ने कि 15 तरीक तो लैके अज तो 27 तरीक तक असी स्पैशल स्वच्छता मुहिम चलाई जानी है। ये सरकार का उपराला है कि जो बच्चे जो NCC के कैडेट्स स्कूलों के बच्चे NSS कैडेट्स जोड़े है तो या कोई NGOs के मैंबर साहबान हैं जो एनवायरमेंट के प्रति बड़े सुचेत ने, तो आम लोगों भी समझा सकते ने यदी महत्ता, उन्हों वालों घर घर जा के सुनेहा दिता जाए, मैसेज दिता जाए, तो कमेटी वालों भी स्पैशल मुहिम सफाई दियाँ चलाइया जा जो वातावरण के सुधार किया जा सके। मैं तो सू यही कहाँगा जी, जी मुहिम के तहत अज तुलसी नगर के धूरी के अपने EO साहब अश्विनी कुमार जी, उन्हां दी सारी टीम ते नाल जिहड़े बच्चे ने, जिस तरह गौरमेंट हाई स्कूल बेनेड़ा कॉलेज तो इन्हां बच्चों ने उपराला किया भी जिहड़ा सरकार की एक स्कीम है जिहड़ी चल रही है 15 तरीक तो लैके 27 तक, भी जिन्ने भी पोलीथीन की वरतू है सब तो घट की जाए, तो नाल बच्चे थैले भी बन रहे हैं भी ये थैलियां की वरतों की जाए ता कि पोल्यूशन दे लई कंट्रोल होवे, ते जिथे जिथे भी शहर दे विच गंदगी दे ढेर लगे हुए ने कूड़ा रहित शहर बने, क्योंकि यह साडे CM साहब दा आपका होम है, एक तरह की उन्होंने आपकी असैम्बली है, तो यदा जोड़ा मैसेज है ये वैसे भी सारे पंजाब के जान वाला मैसेज है। जिन्ना साडा शहर साफ सुथरा होगा उन्ना ही सब तो वह सारे पंजाब मैसेज आऊ, जिदे म्यूनसिपल कमेटी के जिन्हें साढ़े अफसर साहबान पूरा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो बच्चे कर रहे हैं। 28 सितंबर को आ रहे श्री सिद्ध बाबा सोडल जी के मेले की तैयारियों को लेकर सोडल मंदिर में झंडे की रस्म अदा की गई, जिसमें दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतलवेज, पूर्व विधायक मनोरंजन कालिया, पूर्व विधायक KD भंडारी, मां मंगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी के संस्थापक एवं संचालक नवजीत भारद्वाज और पार्षद सुनीता रिंकू ने विशेष रूप से उपस्थित होकर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर आकाश वर्मा एंड पार्टी और मंदिर की संकीर्तन मंडली की सदस्य सुनीता बाबा प्रोमिला चड्डा ने बाबा जी की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर अजय चड्डा, हनी तलवाड़, विपन चड्डा, बब्बी, श्यामलाल चड्डा, सुरेंद्र चड्डा, सुरेश चड्डा, तरसेम कपूर, पीयूष चड्डा, बाबा खन्ना, किशोरी लाल चड्डा, JB चड्डा, गणेश चड्डा, अतुल चड्डा, सुशील चड्डा, अरुण चड्डा, नरेश चड्डा, भूषण कोहली, राजेश चड्डा, अतुल चड्डा, उमेश चड्डा, सुशील भट्टी, अश्विनी शर्मा धूपवाले, महेंद्र पाल अग्रवाल, ज्योति चड्डा, महेंद्र प्रभाकर, संजय चड्डा, अनिल चड्डा, सुरेश चड्डा सहित बाबा जी के असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन पवन कनोचिया की रिपोर्ट। Don't do it.
अज श्री सिद्ध बाबा सोडल जी मंदिर दे विच जो झंडा सैरामनी हुई है उहदी मैं सारी संगत नूं बहुत बहुत बधाई दिंदा। और जिहड़ा 28 सितंबर नूं बाबा जी का जिहड़ा पुन्य दिवस मनाया जाता उस मेले दियां भी मैं सारी संगत नूं बधाई दिंदा। और जिस तरह कि तुहानूं सब नूं पता है कि उत्तर भारत 'च सब तो बड़ा मेला लगता और दूरों दूरों लोग मत्था टेकन आते। बाबा जी सारिआं दीआं मुरादां असां पूरीआं करन, यही आस दे नाल तुहाडे सारे चरणां 'च बेनती है वी सारे मंदर आओ, मत्था टेको, मन मंगिया मुरादा बाबा जी को पाओ। मतलब अज असी लोग झंडे की रसम समझी जाते हैं, बाबा जी की झंडी होंगी जिदा आम बच्चे दे अपने घर झंडी करते हैं ना आप, ये बाबा जी की झंडी दिवस है अज। और हाड़ की संगरान हर हाड़ की संगरान बाबा जी की झंडी दिवस मनाया जाता है। इतों ही मेले का आगाज शुरू हो जाता जड़ा कि मेला 28 सितंबर दिन वीरवार को आ रहा वा। मैं अपने चड्डा बरादरी वालों और श्री सिद्ध बाबा सोडल ट्रस्ट वालों साडे अपने चेयरमैन शीतल बिज जी वालों और चड्डा बरादरी वालों श्याम लाल चड्डा जी वालों सारी बरादरी वालों मैं सारे शहर वासियों को निवेदन करना चाहना कि 28 सितंबर को दिन वीरवार जड़ा आ रहा है, इस बार मेला जड़ा ना वीरवार वाले दिन है जड़ा कि शनिवार शुरू हो जाना तो अगले संडे तक चलना वा। और हर श्रद्धालु मैं कहूँगा जो भी बाबे को मन्नत जिदा मंगते हैं जिदा ढोल धमाके बंदे आते हैं सारे जिन्हें भी श्रद्धालु और सारे मोहरे बेनती करूँगा एक गूगल दे विच किसी ने गलती ना 1 सितंबर पा दिता मेला, पहलों तो सारे मैं शहर निवासियों देश और विदेश रहने वाले जिन्हें भी साडे श्रद्धालु है उन्होंने सारे मोहरे अपील करूँगा कि मेला 28 सितंबर नूं दिन वीरवार जड़ा आनंद चौदस वाले दिन मेला मनाया जाता वह दिन 28 सितंबर दिन वीरवार है। गूगल वाल देख के सोचे ना बंदा जिन्होंने विदेश आना उन्होंने अपने प्रोग्राम बना के आना कि 1 सितंबर में मेला, इस करके मैं बेनती कर रहा सारे श्रद्धालुओं को। और अज का दिन जिदा साडे बाबा जी के झंडी दिवस है मिट्टी के बर्तन ही साढ़े जिदा दाल बड़िया ज तंदूरी परौंठी लगती है जो भी बाबा जी के साडे मतलब बजुर्गों के टाइम तो रीत चली आ रही है वह अज असी सारिआं नूं प्रसाद दे लंगर दे रूप च ग्रहण करा रहे हैं। असी चाहवांगे जे कोई श्रद्धालु हले भी आवे शाम नूं 5-6 बजे तक बाबा जी की इच्छा तक यह लंगर लगे होना बाबा जी दे आके प्रसाद ग्रहण करन
जय बाबा सोडल जी की जय बाबा सोडल बाबा सोडल। मैं शाम लाल टड्डा चेयरमैन टड्डा बलारी बाबा सोडल मंदिर तो बोल रहा। अज बड़ी खुशी की गल आ, अज जड़ा मेला बाबा जी का 28 सितंबर 2023 आ रहा। अज मेले का आगाज श्री सिद्ध बाबा सोडल मंदिर झंडा चाढ़ के होया। जी झंडे की रसम साढ़े ट्रस्ट के चेयरमैन श्री शीतल बिज जी, मैडम सुनीता रिंकू जी, रमन रोड़ा जी, के डी भंडारी जी और होर भी जिन्हें शहर के भगत जन बाबा जी दे आए, असी उन्होंने बहुत धन्यवाद करते हैं। श्री सिद्ध बाबा सोडल ट्रस्ट के चेयरमैन श्री शीतल बिज जी का बहुत ही सानू सहयोग रहा, ये प्रबंध के साडा उन्होंने बहुत सहयोग किया। असी ट्रस्ट के चेयरमैन शीतल बिज जी का बहुत धन्यवाद करते हैं। जय बाबा सोडल, जय बाबा सोडल। अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन की ओर से मां बंगला मुखी जी के साप्ताहिक महायज्ञ का आयोजन प्राचीन शिव मंदिर द मोरिया पुल में अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रसिद्ध मां मंगला मुखी जी के उपासक श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें संगठन के पुरोहित पंडित चक्र प्रसाद जोशी ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर यज्ञ में उपस्थित माँ भक्तों से महायज्ञ में आहुतियां डलवाई। इस दौरान श्री श्री 108 महाराज स्वामी जी ने कहा कि जो इंसान सुबह शाम एक एक माला मां बंगला मुखी जी के महामंत्र के जाप की करता है, उसके सब बिगड़े हुए कार्य ठीक हो जाते हैं और घर में आ रही हर तरह की परेशानियां दूर होती हैं। इस महायज्ञ में अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन के वैभव शर्मा, अमित गुप्ता, पीयूष जैन, मोहित जैन, डॉक्टर मुकेश कुमार सहित असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट। ओम हरि पगला मुखी सर्व दुष्टानं वाचं मुखं पदं स्तंभे जीवा किले किले बुद्धि विनाशे हरि मां स्वाहा। ओम हरि पगला मुखी सर्व दुष्टानं वाचं मुखं पदं स्तंभे जीवा किले किले बुद्धि विनाशे हरि मां स्वाहा। ओम हरि पगला मुखी सर्व दुष्टानं वाचं मुखं पदं स्तंभे जीवा किले किले बुद्धि विनाशे हरि मां स्वाहा। ओम हरि बगला मुखी सर्व दुष्टानं वाचं मुखं पदं स्तंभे जीवा किले किले बुद्धि विनाशे हरि मां स्वाहा। तो मां भगवती के इस दरबार में आज ये संकल्प लेना है कि हे महारानी, हमें कुछ ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन हमें आपने एक शांत चित्त देना है, मानसिक शांति देनी है और सबसे बड़ी हमें सद्बुद्धि देनी है कि हम हमेशा अपने देवी देवताओं का जितना भी हमसे हो सके हमने मान सम्मान करना है और जहां पर तिरस्कार हो रहा है वहां से हमने उठ के चले जाना है। जहाँ पर कोई व्यक्ति हमारे देवी देवताओं का अनादर कर रहा है हमने उसकी बात नहीं सुननी, उससे लड़ना भी नहीं है, झगड़ना भी नहीं है, लेकिन वहां से उठ के चले जाना है, क्योंकि सब कुछ यहीं पर रह जाना है और साथ में जाना है तो कर्म जाना है, पुण्य जाना है, अपने इस देवता का जो जाप है, पाठ है, सत्संग है, वही जाना है। श्री गुरु रविदास मंदिर कटरा मोहल्ला बस्ती दानिशमंदा जालंधर में संक्रांति का पवित्र पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर उपस्थित भक्तों ने प्रभु महिमा का गुणगान कर माहौल को भक्ति में रूप प्रदान किया। इस दौरान मंदिर प्रबंधक कमेटी के प्रधान एवं पार्षद मदनलाल खिंदर ने विशेष रूप से उपस्थित होकर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर स्वर्ण यादव, अनुराग खिंदर, सतपाल पाला, बलवीर लोच, राकेश लोच, महेश शंगुराल, उत्तम मीनिया, दीवान चंद यादव, अमरनाथ भंडारी, देसराज यादव,
चमन लाल मोहन हंस पाठी, गुरदयाल पाठी, चमन लाल सतपाल खिंदर, रमेश जकी, कमल डालिया, जंग बहादुर, रिंकू खिंदर, बंटी खिंदर, स्त्री सत्संग सभा की प्रधान दयावंती, कृष्णा देई, राजरानी खिंदर, पुष्पा देई, कौशल्या देई, अरुणा लोच, रानी लोच, बेबी डालिया, विष्णु देई, गारो देई, शिवो देई, पुष्पा देई, मीनू अंगुराल, उषा लोच, ज्ञानो देई, राजरानी, गुड्डी सहित असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। तन तन सब छोटे दरबार से बैठी गुरु प्यारे साथ संग जी हो, आज आप सारे संतान जो है संक्रांति जो कि हार नहीं दे जा संक्रांति है गुरु दरबार में पहुंच करके तुम सारे हार महीने संक्रांति बड़े चावा और श्रद्धा के नाम मना रहे हो। उन्होंने तुम साढ़े गुरु घर के पाठी मास्टर गुरदास जी पासों श्री गुरु रविदास महाराज की बाणी के बच्चों उन्होंने जो आप सबू महीने का नाम शुरू कराया है तो गुरु के अनुसार समझो गुरु महाराज अगर यही अरदास करते हाँ कि गुरु महाराज इस हर महीने संक्रांति के सारिया संतान सारे मैंबर सिख साहब जैन साहब सारे शहर वासियों के पंजाब और देश वासियों संक्रांति के मौके पर लख 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 लाई हो श्री गुरदास मंदिर कटरापुरा संक्रांति का पवित्र दिहाड़ा मनाया गया। ये संगत ने होम हुमा के भाग लिया और गुरु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया और मैं इस मौके पर समूह संगत इलाका मासिया लख लख मुबारका देना हाँ। हम जो संक्रांति का त्यौहार आया है सारे ने खुशियां खेड़े लेके आए तंदुरुस्तियां प्रदान करे यही मेरी अरदास है गुरु महाराज चरणों के विच। और अज विशेष लंगर भी लाया गया है संगत ने होम हुमा के भाग लिया। माँ बंगलामुखी धाम नज़दीक लम्मा पिंड चौक हुशियारपुर रोड पर स्थित गुलमोहर सिटी में धाम के संस्थापक एवं संचालक नवजीत भारद्वाज की अध्यक्षता में साप्ताहिक माँ बंगलामुखी हवन यज्ञ करवाया गया जिसमें सबसे पहले ब्राह्मणों द्वारा नवग्रह पंचोपचार षोडशोपचार गौरी गणेश कुंभ पूजन माँ बंगलामुखी जी के निमित्त मंत्र माला जाप कर मुख्य यजमान बाबा खन्ना से सपरिवार पूजा अर्चना उपरांत हवन यज्ञ में आहूतियाँ डलवाई। वहीं इस यज्ञ में उपस्थित मां भक्तों को आहुतियां डलवाने के बाद नवजीत भारद्वाज ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि मन को नियंत्रित कर लो जीवन सुधर जाएगा। कहा गया है कि मन के हारे हार मन के जीते जीत। उन्होंने कहा कि मन की पवित्रता से जीवन आगे बढ़ता है क्योंकि जीवन में मन ही है जो भटकता है और जीवन को भी भटकाता है। यदि वह अपने वश में हो जाता है तो सब कुछ सही रहता है जीवन का उत्थान होता है। इस अवसर पर राकेश प्रभाकर, पूनम प्रभाकर, नीरज कपूर, संजीव सौंधी, प्रदीप डॉक्टर शर्मा, प्रदीप शर्मा, धीरज, बलजिंदर सिंह, प्रिंस कुंडल, रोहित पाटिया, बलवंत बाला, मुनीश शर्मा, सुरेंद्र शर्मा, एडवोकेट राजकुमार, मोहित, अशोक शर्मा, दिशांत शर्मा, बाबा खन्ना, लवली, गोपाल मालपानी, अश्विनी शर्मा, संजीव शर्मा, मुकेश चौधरी, अमरेंद्र सिंह, गौरव जोशी, संजीव सावरिया, यज्ञदत्त, रॉकी, बाबा जोशी, पंकज, करण वर्मा, राजेश महाजन, संजीव शर्मा, डॉक्टर गुप्ता, मानव शर्मा, राजीव, अशोक शर्मा, प्रदीप, अभिलक्ष चुग, राकेश ठाकुर, बलदेव सिंह, लक्की, सुनील जग्गी, प्रिंस और प्रवीण सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। वहीं आरती उपरांत प्रसाद रूपी लंगर भंडारे का भी आयोजन किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। आकाश बाई जूस अकेडमी की ओर से एक समागम का आयोजन किया गया जिसमें अकेडमी की छात्रा आशिका अग्रवाल को सम्मानित किया गया जिसने नीट यूजी की परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 11वां और राज्य में दूसरा स्थान हासिल किया है। आशिका ने 720 में से 715 अंक हासिल कर नीट की परीक्षा पास की है। उसके पिता एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और भाई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई कर रहा है। इस मौके पर आशिका ने बताया कि उसके माता पिता ने कभी भी उस पर अच्छे अंक लाने के लिए दबाव नहीं बनाया और माता पिता को भरोसा था कि वह अच्छे अंक हासिल करेगी। इस मौके पर आकाश एजुकेशन के सीईओ अभिषेक महेश्वरी ने आशिका की इस उपलब्धि पर बधाई दी
और कहा कि ये उसकी सख्त मेहनत का ही नतीजा है कि उसने नीट की परीक्षा में ऑल इंडिया 11वां और राज्य में दूसरा स्थान हासिल कर एकेडमी का नाम रोशन किया है। आज हम लोग यहाँ पर जो इकट्ठे हुए हैं, मतलब इट इज अ वेरी वेरी गुड डे फॉर अस इन विच जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, अशिका की अगर बात करूँ, दे हैव मेड अस प्राइड अपने पेरेंट्स को, सिटी को, अशिका हैज मेड एवरीवन प्राइड। अगर मैं बात करूँ ऑल इंडिया रैंक, शी हैज गॉट 11 रैंक, ऑल इंडिया रैंक 11 विद 715 मार्क्स। सो इसलिए पेरेंट्स, स्टूडेंट एंड जो हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर मिस्टर राहुल त्यागी एंड एकेडमिक हेड मिस्टर दीपक देश वर्मा सर, तो हम लोग सारे हैं। एंड थ्री शी वाज आर टू ईयर स्टूडेंट एंड शी वाज रेगुलर, शायद मेरे ख्याल मुझे याद नहीं क्लासेस ने मिस किए, कोई टेस्ट मिस किए किए हैं तो उसने बाद में दिए हैं आपके सारे। शी वाज टू मच रेगुलर एंड अगर इसकी क्लास में कंसिस्टेंसी रेगुलरिटी कंसिडर की जाए, शी वॉज द मोस्ट, मतलब शी वॉज द स्टूडेंट हु वर वेरी क्लोज टू ऑल द टीचर्स। बहुत बार बच्चे ने बहुत अप्स एंड डाउन फेस किए, लेकिन पेरेंट्स ने इसको बहुत अच्छा गाइड किया, टीचर्स ने अच्छा गाइड किया एंड शी फॉलोज एवरीथिंग एंड द रिजल्ट आपके सामने। शी स्कोर 715 मार्क्स आउट ऑफ 720 इन इंडिया दैट एग्जाम्स में 21 लाख बच्चे बैठे थे, उन 21 लाख बच्चों में से इसने लगभग 21 लाख को पीछे छोड़कर रैंक 11 हासिल की। तो इट्स रियली अ प्राउड मोमेंट फॉर अस एंड इट्स, मतलब मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा बच्चे को। मेरे पास इसलिए वर्ड्स नहीं है इस टाइम, मैं इतना खुश हूँ इतना ज़्यादा, क्योंकि तो बच्चे को हमने अपने सामने बहुत धीरे धीरे बढ़ते देखा है एंड इसने जो मेहनत, जितनी मेहनत की है, जो उसको रिजल्ट मिला। एक बार कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि इसने मेहनत की, इसको फल मिला, अचानक सब कुछ दिखा, अचानक नहीं, इसने 2 साल तक कितना रिग्रेसली मेहनत की है, बच्चे ने जेन्युइनली तपस्या की। आई थिंक मेरी कोई रूटीन थी नहीं, मेरा बिल्कुल ये था कि जिस दिन जो पढ़ाई हो रही है उस पर ध्यान दो और उसी को उस दिन ख़त्म करने पे फोकस होता था कि उसी के क्वेश्चंस करने हैं एंड उस टॉपिक को उस दिन निपटा देना, ये फोकस रहता था। बाकी मैंने कभी आर्स ऐसे एज सच काउंट नहीं करे और रूटीन मैंने जितनी बार बनाने की कोशिश की है मैंने अगले दिन अपनी ही डिफाई करी है, तो वो कोई था नहीं ऐसा। पर लाइक आप सोशली एक्टिव थे, सोशल मीडिया पे जाते थे या नहीं? नहीं, आई ओनली हैड व्हाट्सएप दैट टू स्टे इन कॉन्टैक्ट विद माय टीचर्स एंड फैमिली। बस बाद जब आई केम इनटू दिस स्ट्रीम, तो दिस इंस्टीट्यूट हैज बीन देयर फॉर मी एवर सिंस एंड माय टीचर्स हैव बीन देयर फॉर मी एवर सिंस एंड दे नेवर लेट मी फील अलोन, दे नेवर सेड नो, दे नेवर सेड नो टू एनीथिंग, हमेशा बात सुनी है, पहले सुनी है, पेशेंटली बैठ के सोल्यूशन निकाला है, क्योंकि मैं खुद सोच के पता नहीं कितने कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में डर जाओ, तुम टीचर्स के पास जाते हो एंड ऐसे, मतलब इतना सिंपल सोल्यूशन होता है चीज़ का, तो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नज़र फिर से। जालंधर देहात पुलिस ने 2 नशा तस्करों को किया काबू, 140 बोरे चूरा पोस्ट और 1 ट्रक किया बरामद। बरनाला पुलिस ने 3 मामलों में 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 73,700 नशीली गोलियां, 300 ग्राम हेरोइन, 2 कारें और 1 मोटरसाइकिल किया बरामद। जंडियाला गुरु में गत रात्रि हुई बारिश व तूफान के कारण 200 वर्ष पुराना बरगद का पेड़ गिरा, लोगों की आस्था को पहुंची ठेस। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।